वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के आने का वेट भी करते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 14 अगस्त का एक्सक्लूसिव व्लॉग, जिसके अंदर हम जा रहे हैं सबसे पहले उर्दू बाज़ार उसी व्लॉग की तैयारी करने, जिसमें हमने लेनी है कुछ झंडियाँ, ठीक है, और कुछ गुब्बारे। तो आइए आप भी हमारे साथ उर्दू बाज़ार तक चलते हैं। फाइनली हमें झंडियाँ मिल गई थी तो गुब्बारे भी मिल गए थे, तो हमने सोचा कि चलो अब इनका फर्स्ट स्टेप यही था कि हम इन्हें धागों पे लगाकर तैयार कर लें, क्योंकि 14 अगस्त की वीडियो के शूट के लिए हमें काफ़ी सारे झंडियाँ चाहिए थी, जो कि हमारे बैकड्रॉप के तौर पे भी काम करती और पूरा के लिए बन जाती। और यहाँ पर हमें इतनी देर लगी थी इन झंडियों को बनाने में, पर आखिरकार वो सारी रेडी हो ही गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूरा के बाबा जल्दी जल्दी सारी झंडियों को सेटअप कर रहे थे छत पे, ताकि हम लोग अपने शूट को जो है स्टार्ट कर सकें। और ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है जो आप पीछे ये नज़ारा एक देख सकते हैं। और हाँ, जितना आसान ये लगता है ये उतना आसान था नहीं, ना ही इन झंडियों को लगाना धागे के ऊपर और ना ही इन्हें छत पर लगाना। थैंक गॉड मुझे इसमें थोड़ी सी रिलीफ मिल गई थी। और यहाँ आ गई है नूरा, क्योंकि नूरा सोकर उठी थी तो उसका फेस काफ़ी सीरियस हुआ हुआ था और उसे कुछ टाइम लग गया था दोबारा से नॉर्मल होने में और खुश खुर्रम होने में। तो यहाँ पे पेशे खिदमत है एक छोटा सा स्लोमो नूरा का, जहाँ पे अभी भी स्टिल वो काफ़ी सीरियस थी। यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ था कि हम सब ऊपर एकदम से देखने लग गए थे, इंक्लूडिंग नूरा और हम सब भी। और यहाँ फाइनली नूरा ने झंडी पकड़ के हिलानी शुरू कर ही दी। इतना टाइम लग गया था इसको कन्विंस करने में कि पकड़ लो, ये पकड़ ही नहीं रही थी। और जब इसने पकड़ी तो उसके बाद ये हिला ही नहीं रही थी, उसे लहरा ही नहीं रही थी। फिर नूरा का थोड़ा सारा मूड थोड़ा सारा बेहतर हुआ तो उसने कहा चलो अब मैं हिला के दिखाती हूँ आप सबको, और ये माशाल्लाह से उसने फिर हिला दी झंडी और उसका ध्यान कॉन्स्टेंटली अपने बाबा की तरफ था और पीछे पड़े हुए बलून्स की तरफ था कि पीछे क्या हो रहा है, पीछे तो देखो नूरा। और ये ढेरों ढेर बैलून्स जो हैं पीछे से नूरा के बाबा फौरन से ले आए थे ऊपर, जो कि नूरा को काफी इंटरेस्टिंग लग रहे थे पीछे से देखने में। हम चाहते थे कि नूरा इस तरफ नहीं करे, लेकिन कुछ चांस ही ऐसा हो गया कि नूरा को पीछे मुड़ के देखने में सारे कलर नज़र आ रहे थे, तो उसका फेस बार बार पीछे हो जाता था फ्रंट पे होने की बजाय। और यहाँ पे नूरा को पता नहीं क्या हो गया था कि उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था अपने हाथ की चूड़ियाँ और जो है ना बैंड्स खाने में, जबकि मैं उसको इधर बुला रही थी कि आप इधर देखो, और वो कॉन्स्टेंटली अपनी चूड़ियाँ खा रही थी। फिर यहाँ फाइनली थोड़ा सा कोई हवा का झोंका चला, वरना इंतहाई गर्मी थी जिसकी वजह से हमारा शूट बहुत आज लेट भी हो गया और अपलोडिंग भी
थोड़ी फिर लेट ही हो गई है उसकी वजह से। और ये रहे हम एक और नाकाम कोशिश करते हुए कि नूरा झंडे को देखकर हम फ़ौरन से हमारे पास पकड़ने आ जाए, पर नूरा को तो किसी पत्थर में ही इंटरेस्ट थी जो उसे छोटा सा ज़मीन पे नज़र आ रहा था, तो वो दौड़ के बजाय झंडे के पास आने के वो उस पत्थर को उठा के देख रही थी जूम इन करके पूरी तरह। बच्चों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, ऐसे ही है ना। और ये फाइनली नूरा ने झंडी पकड़ ली थोड़े से हैप्पी फेस के साथ। पहले जब उसने पकड़ी थी तो काफ़ी सीरियस थी, पर अब यहाँ पे नूरा थोड़ी सारी फॉर्म में आनी शुरू हुई थी और अब मगरिब का टाइम करीब हो गया था तो छांव भी होने शुरू हो गई थी, तो हमारी सारी नेचुरल लाइट जा रही थी और नूरा फॉर्म में आ रही थी। और उसके बाद नूरा को एकदम से अल्लाहू याद आ गया तो वो झंडी अपनी गोद में रख के अल्लाहू करने शुरू होगी। शायद उसने समझ लिया था कि मगरिब की अज़ान होने वाली है। और यहाँ फिर से मैं कोशिश करते हुए कि नूरा चलती हुई मेरे पास आ जाए, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वो मेरे पास आ रही है और फिर उसे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो गया एकदम से। और ये नूरा थोड़ी मज़ीद खुश हो गई और फाइनली उसने बैलून पकड़ लिया था और फिर उसने थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया, और ये भी उसने काफ़ी देर के कोशिश के बाद जो है जाके पकड़ा था। बस उसका दिल कर रहा था कि मैं बैलून को मारती रहूँ और बैलून उड़ता रहे, या मैं बस बैलून को यानी हाथ मारती रहूँ और उड़ता रहे, मुझे ना पकड़ना पड़े, मुझे कोई काम ना करना पड़े, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि वो सो के उठी थी तो अब तक देखें कि वो काफ़ी फ्रेश हो चुकी थी, तो अब वो खेल रही थी, खुश भी हो रही थी और उसको बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी कोशिश करते हुए कि नूरा शायद मुझे देखे और मेरे पास आए और थोड़ा सा इंटरेक्शन हमारी अच्छी हो जाए और वीडियो अच्छी शूट हो जाए, पर नूरा को तो दरवाज़े से बाहर दरवाजे से अंदर जाने की पड़ी हुई थी और वो हम दोनों को बाहर ही छोड़कर और घर की तरफ अंदर की तरफ जा रही थी बार बार। और यहाँ पर बहुत प्यारी हवा चली थी जिसकी वजह से सारे बैलून इधर उधर हो गए थे और नूरा बहुत जो है ना एक्साइटेड हुई थी इसको देख के। और यहाँ पे हम अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं और उम्मीद है कि आप सबको बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखने में और हमने भी बहुत इन्जॉय किया इस वीडियो को बनाने में। और भूलिएगा मत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। और आप सबको नूरा की तरफ से बहुत जश्न आज़ादी, बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।